चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां लखनऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में ही लड़ रही है, बीजेपी सरकार अस्थिर है और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है। बीजेपी सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। राजधानी लखनऊ में मकानों को गिराने का फैसला टाल दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कमजोर हो गई है। मैं जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम यह हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई है। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज, आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो उत्तर की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो, और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इधर मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर रखते हुए यूपी वेस्ट के डीसीपी दुर्गेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। करीब 2000 सिविल पुलिस बल, 14 पीएसी कंपनियां, सेंट्रल पैरामेट्रिक फोर्स की 2 कंपनियां यहां मौजूद है। इसके अलावा यहां घुड़सवार पुलिस को भी तैनात किया गया। साथ ही हम ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के जरिए भी जुलूस पर नजर रखे हुए हैं। आज ये मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम का जुलूस है। ये नाजिम शाह इमामबाड़ा विक्टोरिया स्ट्रीट से निकलकर ये ताल कटोरा के करबले तक जाएगा। इसकी हम लोगों ने मल्टी लेयर सुरक्षा की है, की व्यवस्था की है। इसमें कुल लगभग 2000 सिविल पुलिस का एलिमेंट है, 14 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके अतिरिक्त हम माउंटेड पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है।
और पूरे जुलूस की निगरानी हम ड्रोन से भी कर रहे हैं, अनमैन एरियल व्हीकल से भी। जो सुरक्षा व्यवस्था की है वो सेक्टर ड्यूटी के रूप में है, फिक्स पॉइंट्स हैं, बैरियर ड्यूटीज हैं, मोबाइल ड्यूटीज हैं, हमारे मोटरसाइकिल दस्ता हैं, और जुलूस के साथ जो जुलूस की सुरक्षा है उसके साथ चलने वाला फोर्स है वो बॉक्स फार्म में हमने किया है, जिसमें आगे पीछे और साइड में डिफरेंट सेक्टर्स में उस जुलूस को बांट के सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। ये बहुत ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने इसकी की है और शांतिपूर्वक अच्छे से निकलवाने का जो कमिश्नरेट पुलिस का संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। आज ये मुहर्रम, दसवीं मुहर्रम का जुलूस है, ये नाजिम शाह इमामबाड़ा विक्टोरिया स्ट्रीट से निकलकर ये ताल कटोरा के करबले तक जाएगा। इसकी हम लोगों ने मल्टी लेयर सुरक्षा की है, की व्यवस्था की है। इसमें कुल लगभग 2000 सिविल पुलिस का एलिमेंट है, 14 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके अतिरिक्त हम माउंटेड पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है और पूरे जुलूस की निगरानी हम ड्रोन से भी कर रहे हैं, अनमैन एरियल व्हीकल से भी। जो सुरक्षा व्यवस्था की है वो सेक्टर ड्यूटी के रूप में है, फिक्स पॉइंट्स हैं, बैरियर ड्यूटीज हैं, मोबाइल ड्यूटीज हैं, हमारे मोटरसाइकिल दस्ता हैं, और जुलूस के साथ जो जुलूस की सुरक्षा है उसके साथ चलने वाला फोर्स है वो बॉक्स फार्म में हमने किया है, जिसमें आगे पीछे और साइड में डिफरेंट सेक्टर्स में उस जुलूस को बांट के सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। ये बहुत ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने इसकी की है और शांतिपूर्वक अच्छे से निकलवाने का जो कमिश्नरेट पुलिस का संकल्प है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। महात्मी पर्व मोहर्रम को लेकर जालौन में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मोहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डीआईजी झांसी रेंज कलानिधि नेथानी ने करबला मैदान का निरीक्षण किया, साथ ही कलानिधि नेथानी ने ताजिया को खा के सुपुर्द करने वाली जगह की व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने आम जनमानस से बातचीत कर डीआईजी ने शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील की है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और आज सबसे ज्यादा ताजिया निकाले जाते हैं और ये करबला में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर ये दफन होते हैं। बताया गया है दोपहर से आने शुरू होंगे और रात्रि तक आएंगे। यहाँ पर जो इंतजामिया कमेटी है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई है, उनके द्वारा फिलहाल कोई समस्या नहीं बताई गई है। इन कानून व्यवस्था के दृष्टिगत एलआईयू की ड्यूटीज हो, चाहे लोकल थाने का फोर्स यहाँ पे लगा है, चौकी इंचार्ज यहाँ पर है, पिकेट यहाँ पे लगी हुई है और एक सकुशल वातावरण में सुरक्षित यहाँ पर ताजिए दफन इसकी पूरी व्यवस्था की गई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरी राजा में संदिग्ध अवस्था में कुएं में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने 4 लोगों पर युवक को शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया है कि युवक एक दिन पहले घर से गायब हुआ था, जिसे जगह जगह तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज 16 जुलाई 2024 को कोतवाली जालौन में एक व्यक्ति के सिकरी राजा में कुएं में गिरकर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी जालौन कोतवाल जालौन मौके पर पहुंचे, शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसकी सूचना आपको साथ साझा की जाएगी। जी आज 16 जुलाई 2024 को कोतवाली जालौन में एक व्यक्ति के सिकरी राजा में कुएं में गिरकर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी जालौन कोतवाल जालौन मौके पर पहुँचे, शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी
और जो भी तथ्य आएंगे उसकी सूचना आपको साथ साझा की जाएगी। जी आज 16 जुलाई